जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तुम्हें एक्सेलरेशन देता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है डायरेक्शन चेंज करना यहां टेंजेंशियल परेशन जीरो है मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है वेलोसिटी के जिन लोगों का कायनमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनको ये चीज समझ में आएगी जिनको सेंट्रीपिटल एक्सेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेशन आता है वो लोग इस चीज को समझ पाएंगे तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है वो तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन दे रहा है वो डायरेक्शन चेंज करने में यूज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज करना भी एक्सेलरेशन होता है स्पीड चेंज नहीं कर सकता क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं कर सकता